इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में रात्रि गश्त कर रहे पुलिसकर्मी और बाइक चालक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने अमैक सिटी बाईपास से कई किलोमीटर पीछा कर गिरफ्तार किया है। भागते समय गिरने से बदमाशों को हाथ पैर में चोटें आईं। पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 23 तारीख की रात को डायल 100 पर सवार वाहन चालक अनिल पटेल और पुलिसकर्मी आरक्षक प्रदीप कश्यप रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी बाईपास पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिन्हें पूछताछ के लिए रोका गया तो उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। हमले में घायल पुलिस आरक्षक और ड्राइवर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी और अन्य सबूत के आधार पर देवास के रहने वाले सोनू परमार और गोविंद मालवीय को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक ओमैक्स सिटी के पीछे बाईपास पर चोरी की नीयत से घूम रहे थे, जिनका पीछा किया गया तो वे कई किलोमीटर आगे गए और अचानक से मोटरसाइकिल से गिर गए, जिन्हें चोट आई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भी लिया जाएगा, ताकि अन्य चोरी और अपराधों के बारे में भी खुलासा किया जा सके। कनाड़िया बाईपास पर 30 मई की रात लगभग 11:45 की घटना है, जब ये सूचना मिली थी कि कोई किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के ऊपर जो FRV पार्टी थी उसके ऊपर हमला किया है। मौके पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर वहां से जो घायल आरक्षक प्रदीप थाना कनाड़िया और जो पायलट अनिल पटेल था उसको वहां से शिफ्ट किया गया और बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनको ICU में एडमिट किया गया और उनकी रिपोर्ट पर 307, 353, 332 अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात आरोपियों की काफ़ी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। और ये कुछ जो घटनास्थल पर जो एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया और ये दोनों आरोपी हैं वो देवास जिले के रहने वाले हैं गांव के, और ये इसकी इन दोनों आरोपी अधिकांशता कनाड़िया क्षेत्र में जो बाईपास का एरिया है, जो बाईपास में जो सर्विस रोड है वहाँ पर ये चोरी वगैरह भी करते थे। और ये जो अर्बन स्क्वायर जो रेस्टोरेंट था ये काफ़ी लंबे समय से बंद था, तो कई बार जो कबाड़ टाइप में जो सामान रहता है उसको ये लोग कई बार चुराने भी जाते हैं। तो इसी जो बीट जो FRV पार्टी थी वो वहाँ पे चूंकि रात में पहुँची थी और इनको ये लगा कि ये पुलिस पार्टी हमें उनको गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी, क्योंकि उनसे उस समय पूछताछ करी थी। इसी संख्या में जो शंका थी, शंका के आधार पर कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले, पकड़ न ले, तो उन्होंने उस जो दोनों जवान थे, मतलब दोनों हमारे पुलिस के जवान और पायलट पर हमला कर दिया और दोनों को ही काफ़ी गंभीर अवस्था में उनको एडमिट कराया गया था। पुलिस ने अभी फिर सूचना मिली कि ये आरोपी फिर से यहाँ ओमैक्स सिटी के बाहर कहीं आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी और उसमें घेराबंदी में ये वहाँ से भागे, भागने में इनको चोट भी आई है, पुलिस ने इनका मेडिकल कराया है और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड ली जा रही है और अन्य मामलों में पूछताछ की जाएगी। We'll be right back.